अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समीना व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह हो चुकी है और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तो जो हमारा कल पेंटिंग काम था, मतलब पेंटिंग का जो मेरे किचन को बैलेंस हो चुका था, अब वो काम हो चुका है। यहाँ पर टाइम हो गया अभी 12:57। तो चलिए, मेरे किचन का जो काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, बस वहाँ की चीज़ें अरेंज करनी है और अरेंज करके बाद में लंच की तैयारी करनी है। सुबह का नाश्ता तो मैंने यहीं पर बनाया था अपने कमरे में, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ से निकाल के पेंडिंग हो रही थी, तो इस वजह से हम इधर ला के बस रोटी और अंडा जो है हमने आज नाश्ता किया। तो आगे जो है अभी किचन का काम रहता है और बाकी थोड़ा थोड़ा काम रहता है, जैसे कि ये शेल्फ जो है खाली होकर ये सारे चीज़ें हमने वॉश कर लिया था, तो इसको अरेंज जो भी चीज़ें हैं बस वो अरेंज करनी है और उसकी जगह पर उन्हें ठीक से रखना है सजा करके। बस आइंदा अभी जो है नेक्स्ट काम हमारा सबसे पहले किचन का, क्योंकि लंच बनाना है तो सबसे पहले हम किचन के जो भी उसके आइटम्स हैं, मतलब स्टोव और सारी चीज़ें और सब लगा देंगे अभी। उसके बाद में मैं बनाऊंगी लंच आज। तो आप सब कैसे हो? तो नेक्स्ट जो है मैं जो भी करूंगी वो भी आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए मेरी किचन माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर पिंक कलर मारा गया है पेंटिंग, और ये देखिए सारी क्लीन हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत नीट हो गई है अभी मेरी किचन। यह खिड़की यहाँ से और एग्जॉस्ट फैन, कल जो देखा था आपने, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी थी, मतलब ये सीलिंग सब कुछ जा चुकी थी। तो पूरा शेल्फ जो है नीट एंड क्लीन हो चुका है, वॉश कर दिया है, पेंटिंग हो चुकी है, फ्लोर और मस्त क्लीन हो गया है फ्लोर भी। तो ये देखिए, और जो अनवांटेड चीज़ें थे यहाँ पर हमने स्टोर कर दिए हैं, हो गया। अभी तो यहाँ पर सारे सामान को लेकर आना पड़ेगा, यहाँ से देखिए हमारी खिड़की से अच्छा व्यू है। धूप निकली हुई है आज, तो अभी पता नहीं है बारिश कब आएगा। तो चलिए, हमारा तो काम हो चुका है, अभी हमारा काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्मॉल खिड़की है जहाँ से हमारा हॉल नज़र आता है, तो ये भी अच्छी है। और यहाँ पर देखिए पूरा क्लीन हो चुका है माशाल्लाह। तो चलिए अभी सारे सामान यहाँ पर हम लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर स्टोव आएगा, यहाँ पर सिलेंडर और बाकी चीज़ें, यहाँ पर ओवन ये जो प्लग है इस वजह से। तो चलिए अभी आगे का काम करेंगे। यहाँ पर ये मैंने किचन में सारे चीज़ें अपनी अपनी जगह पे लगा दिए हैं पेंट होने के बाद। यहाँ पर देखिए ओवन आ गया, जो पहले भी यहीं पर था, क्योंकि इसका स्विच बोर्ड इधर है। तो ये है खिड़की और ये सिंक और नल, और ये सारे मैंने चीज़ें जो है यहाँ पे अरेंज कर दिए जो मुझे किचन में यूज़ होते हैं। यहाँ पर रखती हूँ डस्टबिन्स और बकेट्स, और यहाँ पर वाटर जो हम कावेरी का पीते हैं यहाँ पर, और ये खिड़की देखिए, और सारा पेंट। अभी तो सब चीज़ें सेट हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं, आज भी धूप है, थोड़ी थोड़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सुबह मैंने जो लेमन राइस बनाया था वो बन रहा है, तो अभी हो चुका है। चलिए अभी नाश्ता करेंगे। फ्लोर भी देखिए क्लीन हो चुके हैं और सारा कुछ क्लीन हो गया है यहाँ पर।
नाश्ता ले लिया है, जो मैंने बनाए थे राइस वो, और इसके साथ में अंडा। और आप लोग इसके साथ अचार में भी खा सकते हैं, मैंगो का अचार या लेमन अचार, वो भी अच्छा टेस्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे एग और राइस लिया है, चलिए खाते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा व्यू है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ का व्यू देखिए। और यहाँ पर धूप बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी धूप है। अभी तो हो चुके हैं 12 o'clock, और यहाँ पर देखिए ये अपार्टमेंट और ये रास्ते हैं। यहाँ के बेंगलुरु के रास्ते अभी ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, और यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कहीं भी आप निकलो, किसी काम से भी निकलो, या ट्रिप पे निकलो, या कहीं पर भी निकलो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो या गाड़ी में बैठे हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। रोड्स बहुत अच्छे हैं, और आजू आस पास का जो भी नज़ारे भी बहुत अच्छे हो चुके हैं। यहाँ पर जहाँ भी आप घूमो, मतलब बेंगलुरु के अंदर आप जिस रोड पर भी जाओगे, रोड बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ पर एक पैलेस आ गया है, मतलब फंक्शन हॉल। और यहाँ पर देखिए ब्रिज भी आ चुका है सामने, ये हेगड़े नगर का ब्रिज है, तो वो स्कूल भी हेगड़े नगर में ही पढ़ती है। तो मैं बस अभी नज़दीक में ही हूँ, थोड़ी दूर में तो चले जाएंगे। अभी बस ये ब्रिज जो है ना पार कर देंगे तो आ जाएगा स्कूल, आ जाएगा। तो देखिए